कहते हैं कि ईश्वर आपके जन्म से पहले ही आपको जानता है और उसके पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं होती हैं। किस तरह ये योजनाएं फलीभूत होती हैं, किस तरह साकार होती हैं, इसके पीछे नियति का एक व्यवस्थित प्रतिरूप होता है। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के 81वें जन्मदिन पर विश्व संस्कृति को विश्वनाथ जी की सौगात, ये है आज का स्पेशल प्रोग्राम। भारतीय संस्कृति दर्शन में अन्य देवताओं की तरह ज्ञान की देवी सरस्वती के मंदिर आम तौर पर दिखाई नहीं देते। इस प्रवेश में विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ धाम के निकट सरस्वती नदी के उद्गम के निकट देवी सरस्वती के मंदिर का निर्माण करने का एक संकल्प किया। देखिए, बद्रीनाथ में जब जहाँ सरस्वती नदी का उगम है वहाँ पे मंदिर प्रस्तावित करने का, मंदिर निर्माण करने का जो ख्याल है, ये ख्याल डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के मन में आया। उसका कारण सरसता है, सरसता की वजह से आविष्कार होता है। अगर वो केवल वो इंजीनियर है और साक्षर रहते थे तो शायद ऐसे नहीं होता था। इसलिए आज जहाँ तक हमारे भारतीय संस्कृति का सवाल है, दर्शन का सवाल है, अब ऐसी घटना घटी है जो बद्रीनाथ में है, जहाँ पर आप जाओगे तो सरस्वती नदी के उगम के पास व्यास गुफा के पास आपको सरस्वती का मंदिर मिलेगा। 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति ज्ञानाधिष्ठित है, अध्यात्म जिसका आधार है और मनुष्य के मन के बारे में किए हुए दीर्घ चिंतन से निर्माण हुए आचरण शास्त्र से ये संस्कृति अलंकृत है। ये आदि शक्ति से प्रभावित संस्कृति है। इस आदि शक्ति को तत्वज्ञ संत ज्ञानेश्वर माउली ने अपने भागवत गीता निरूपण श्री ज्ञानेश्वरी में पहली ओवी के पहले चरण में वंदन किया है। ओम नमो जी आद्या, ऐसा कहते हुए आद्य शक्ति का आह्वान किया और उसका वर्णन किया है। ये आद्य शक्ति तीनों रूपों में अवतरित है, वे हैं श्री सरस्वती, श्री दुर्गा और श्री महालक्ष्मी। महाभारत अर्थात जय नाम के इतिहास के निरूपण का पहला अक्षर जहां महर्षि व्यास जी ने उच्चारित किया, वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भारतीय संस्कृति दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ श्री वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को महाभारत श्रुति लेखन के लिए कहा और श्री गणेश जी ने उसका लेखन किया। वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल का पवित्र स्थान केवल तीर्थ क्षेत्र ही नहीं, ज्ञान तीर्थ क्षेत्र भी है। जी हाँ, ये ज्ञान तीर्थ क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि जब वहाँ महाभारत पहली बार लिखा गया उसके पहले भारत की ज्ञान परंपरा मौखिक रूप से थी। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ज्ञान ग्रंथ को लिखित रूप से पेश सामने लाया जा रहा था। इसी वजह से आज जो हम लिखित ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है, शायद उसकी शुरुआत इसी सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से न जाने कितने साल पहले हुई थी। बुद्धि के देवता श्री गणेश खुद लिख रहे थे और महान विद्वान श्री वेद व्यास उसे कथन कर रहे थे। तो इस क्षेत्र को ज्ञान तीर्थ क्षेत्र नहीं कहा जाए तो और क्या कहा सकता है। भारतीय संस्कृति के ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म और आत्मज्ञान का निरातिशय अभिमान विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को है। विश्व शांति का एकमेव मार्ग भारतीय संस्कृति से ही शुरू होता है और भारतीय संस्कृति पर आकर संपन्न होता है, ये डॉक्टर कराड़ जी की दृढ़ कामना है। आज से 12 वर्ष पहले बद्रीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र पर किया हुआ सरस्वती मंदिर का संकल्प पूर्ण हो गया, इसीलिए इस अवसर पर भारतीय संस्कृति का चिंतन करना आवश्यक है। त्यानंतर 12 वर्ष तिथे संकल्प केला गेला की इथे पुनश्च आपण पुनरुत्थान केलं पाहिजे। या ज्ञानाच्या संस्कृतीची जगाच्या सर्वात उच्च संस्कृतीची जिथे
सर्वात उच्च मानवी विचार तयार झाले जे व्यासांनी आपल्यासमोर आणली. तर तिथे एक ज्ञानाचं एक मंदिर असलं पाहिजे आणि सरस्वतीचं मंदिर असलं पाहिजे आणि ते सुंदर असलं पाहिजे आणि तिथून सर्व जगातून लोक तिथे येते आणि कोणती कोणतं ज्ञान सांगितलं गेलं आहे, महर्षी व्यास कोण होते हे सर्व आहे त्यावेळेस त्याचं स्पष्ट झालं स्पष्टीकरण झालं पाहिजे. आणि मग सरांनी संकल्प केला की तिथे आपण सरस्वतीचं मंदिर पुनश्च स्थापन करण्याचा प्रयत्न करूया आणि तो एक अत्यंत भावनावही युक्त तो क्षण होता की तिथे आपण शपथ घेऊ की इथे ते मंदिर पुनश्च पुनरुत्थान इथे होईलच. आज मानवी इतिहास में और वर्तमान में जो आतंक फैला हुआ है उस आतंकवाद को शांत करने का मार्ग भारतीय संस्कृति के इतिहास में मिलता है. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कारवावहै. यह प्रार्थना मनुष्य का मनुष्य से क्या नाता होना चाहिए इसका वर्णन करती है. हम सब एक होकर एक दूसरे को सहकार से जीवन बिताने का विचार करें, ऐसी यह प्रार्थना कहती है. भारत के सभी धार्मिक आध्यात्मिक और ज्ञान ग्रंथों में पूरे सृष्टि के मनुष्य जीवन का बौद्धिक और मानसिक स्तर पर एक ही विकास होना चाहिए ऐसा लिखा है. और यही कारण है संत तत्वज्ञ श्री ज्ञानेश्वर माउली ने श्री ज्ञानेश्वरी के अंत में जो पसाईदान मांगा है वो विश्वात्मक भगवान से मांगा है. भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का विचार विश्व के सामने रखती है. इसका अर्थ इस पृथ्वी पर एक दूसरे का आपस में बैर नहीं हो सकता. संस्कृत में एक वचन है, वचन ये कहता है कि सरसो विपरीताश्चेत सरसत्वम न मुच्यति साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम. कहने का मतलब यह है कि जो सरस शब्द है वो आप बाएं से दाईं तरफ पढ़ो या दाईं से बाईं तरफ पढ़ो वो सरस ही रहता है, लेकिन जो साक्षर है वो विपरीत स्थिति में राक्षस जैसा बर्ताव करता है. बहुत अच्छा सुभाषित है. देखिए ज्ञान जो है वो सरस रहेगा, ज्ञान बहता है, ज्ञान की ऊंचाई भी रहती है, ज्ञान सखोल भी होता है, ज्ञान की परिधि भी होती है. सवाल यह है कि जहाँ तक सरस्वती माता का सवाल है, सरसहा इति सरस्वती, जो बहता है वही ज्ञान होता है. अगर ज्ञान इकट्ठा आ गया तो उसमें अहंकार तैयार होता है और इसलिए जो सरस आदमी है वो संवेदनशील रहेगा, जो साक्षर है वो कभी कभी रुक्ष होने की संभावना है. सभी धर्म ग्रंथों का अंतिम ध्येय विश्व शांति ही है, लेकिन उन धर्मों के अनुयायी आपस में बैर रखते हैं. इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन जिस बौद्धिक ऊंचाई पर होना चाहिए उतना होता नहीं है. हमारे स्कूल और महाविद्यालयों में कई ज्ञान विषय सिखाए जाते हैं, लेकिन जीवन विषयक समदृष्टि सिखाने वाला ज्ञान देने में हम असफल ही रहे. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड पिछले 4 दशकों से ज्ञान शिक्षा के साथ साथ जीवन विषयक समदृष्टि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यही कारण है कि उनके गांव रामेश्वर में श्री राम मंदिर, बौद्ध विहार और जैनुद्दीन चिश्ती दरगाह का एक साथ निर्माण हुआ है. MIT शिक्षण संस्था की जब प्रोफेसर कराड साहब ने जब इसकी स्थापना की तो स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़कर करण साहब हमेशा कहते कि मैंने एक छोटी सी किताब मैंने वो बुक स्टॉल पर से ली और वो जब मैंने पढ़ी तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया. तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि ये जो सब धर्म है ये ईश्वर निर्मित है. ये सभी धर्म उसी वक्त अलग अलग जगह पे ईश्वर ने पैगंबर भेजकर मैसेंजर भेजकर प्रेषित भेजकर लोगों को दिए है, ये रहना चाहिए. ये सभी धर्म के लोग फिर उनके हाथ में जो भी उनकी पताका होगी चाहे वो भगवे कलर की हो चाहे नीले रंग की हो चाहे हरे रंग की हो लेकिन वो इकट्ठे आ जाए. वो चाहे तो अपनी पताका साथ में लेकर आ जाए, हम उसका एक मानवता सेतु बनाएंगे और ये सब रंगों का रूपांतर हम एक शुभ्र धवल सफेद ऐसे प्रेम में करेंगे, वही मानवता है. शिक्षा संस्थान चलाने वाले डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को शिक्षा पाठ्यक्रम के बाहर का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज के जमाने में उसकी आवश्यकता महसूस होती है. अध्ययन के साथ साथ ये उपअध्ययन मनुष्य को शांति की तरफ ले जाएगा. संत श्री
ज्ञानेश्वर महाराज और संत श्री तुकाराम महाराज के भक्त और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का अधिष्ठान लेकर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने लोणी काल भोर पुणे में दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति डोम या गुंबद की निर्मिति की है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन करने वाले डॉक्टर कराड़ जो इंजीनियरिंग कॉलेज जिन्होंने खड़ा किया था, उनको क्या आवश्यकता है कि वे विश्व शांति गुंबद का निर्माण करें। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया में मनुष्य निर्मित जो हिंसाचार फैलता जा रहा है उसका कारण शिक्षा ही तो है। आज मनुष्य को दी जाने वाली शिक्षा प्रेम, बंधुता, संभाव, संयम इत्यादि नहीं सिखाती, बल्कि यह शिक्षा सिखा रही है विद्वेष, झगड़ा, विषमता और आपसी बैर। डॉक्टर कराड़ का कहना है कि इस विनाश की ओर जाने वाली मनुष्य वृत्ति को रोकने का एक ही तरीका है और वो है शिक्षा के माध्यम से शांति की बात करें हम लोग। यही ध्यान में रखते हुए श्री कराड़ ने महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी के किनारे घाट निर्माण किए। उसी किनारे एक बड़ा पटल निर्माण किया जिस पर सारे आलंदी गांव तथा आसपास के गांवों को साक्षर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप उस पटल की साइज देखेंगे वो इतना विशाल है कि वो केवल आलंदी से नहीं लेकिन आसपास के बहुत सारे इलाके से देखा जा सकता है। जिस साल वो निर्माण हुआ सन 1999 में, तब तो वहाँ पर कोई ऊंची बिल्डिंगें भी नहीं थी। इस पटेल के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ी कल्पना ये थी कि जिस तरह से यूनेस्को ने मास लिटरेसी का प्रोग्राम चलाया था, वो मास लिटरेसी के प्रोग्राम को प्रिंसिपल को आगे चलाने के लिए इस पटेल का निर्माण हुआ था। इस पटेल के निर्माण के पीछे संकल्पना स्वयं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के साथ साथ डॉक्टर विजय भटकर तथा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के भी थे। तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े पटल पर कितने सारे कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। मतलब जो किसान हैं उनके लिए मौसम की खबर हो या किसी फार्मिंग के तरीकों की तरह खबर हो, स्कूल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन दिया जा सकता है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल मॉडल्स ऑफ मास लिटरेसी इन माई ओपिनियन, और इसीलिए इस पटल का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा शस्त्र की तरह है, उसका उपयोग कौन और किस लिए कर रहा है उस पर उसका परिणाम निर्भर करता है। आज दुनिया में अगर आतंक है तो वो युवा विद्यार्थियों के माध्यम से उनको बेकार किया जा रहा है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? एक ही मार्ग है, शिक्षा को सरस करना। बद्रीनाथ बद्री विशाल में श्री सरस्वती मंदिर निर्माण करना इसीलिए आवश्यक था कि जहां महाभारत की कथा का पहला उच्चारण हुआ और श्री वेदव्यास, श्री गणेश जी और श्री सरस्वती इन तीनों का संगम हुआ, वहां पर जो भक्त आएंगे वो दर्शन लेकर सरस ही हो जाएंगे। इसके माध्यम से हम सबकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। ये तो अपना धन बांटेंगे तो आपको पूरा पड़ेगा नहीं, कमाना तो अपने आप ही पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुग्रह है कि इनको ये आशीर्वाद दीजिए कि उनके प्रयास से आपके गांव को और सुविधा मिले और आज यहाँ पर आ गए तो आज से ये करार नहीं बल्कि कमाल है। ऐसा कमाल कौन करेगा? तो ऐसा कमाल उन्होंने किया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, खंडन करता हूँ। घरा साहब कह रहे थे कि विवेकानंद जी ने कहा था, उनका अमेरिका में 1951 में एक यूनिवर्सिटी में भाषण आने पढ़ा है। उस भाषण में वो कहते हैं कि 18वीं सदी ये साइंस की सदी थी, इन्वेंशन की थी। 19वीं सदी ये तकनीकी की, 20वीं सदी तकनीकी की है और 21वीं सदी जो होगी ये तोलंकी का भाषण है, अंग्रेज है हमारा के लिए है। उसने कहा वो सदी भारत की होगी और वो आध्यात्मिकता की होगी, धर्म की, आध्यात्मिकता की। इसी जगह पर आकर हमारे व्यास जी ने अपना श्रीमद् भागवत और महाभारत लिखा है। अब दुनिया के लोग व्यास जी को ढूंढने इधर-उधर नहीं जाएंगे, सब यही आएंगे। और भटकल जी अगले कुछ वर्षों में कोशिश करेंगे कि पहले धार्मिक, सामाजिक, इतिहास और ग्रंथों के व्यास यहाँ पर तपस्या किए, अब इनके आधुनिक जमाने के नए वैज्ञानिक व्यास भी आए जो कि हमारे नाम पर। तो फिर से एक बार कराम साहब का
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता आपने यहाँ बुलाया। भगवान पीछे बद्रीनाथ बद्री विशाल में निर्माण हुए इस श्री सरस्वती मंदिर का भारतीय वर्तमान में अहम महत्व है और आने वाले समय में इतिहास में भी इस मंदिर का महत्व रहेगा। भारतीय संस्कृति में महालक्ष्मी और महादुर्गा के कई मंदिर हैं, लेकिन श्री सरस्वती के मंदिर आज भी बहुत कम हैं। आज पूरे जगत में भारतीय संस्कृति एक विश्वव्यापी संस्कृति मानी जाती है। संत ज्ञानेश्वर से अल्बर्ट आइंस्टीन तक का प्रवास, ये यात्रा आलंदी देहू तीर्थ क्षेत्र से श्री सरस्वती तीर्थ क्षेत्र बद्रीनाथ धाम तक है। ये यात्रा प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट के विचारों की यात्रा है और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की। ये वस्तु यात्रा और विचार यात्रा दोनों का इकट्ठा होना ये एक अनोखा संगम भारतीय इतिहास में हुआ है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में ये सिद्ध है कि संतों का पूरे भारत में भ्रमण हुआ है और इसीलिए हमें ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव महाराज का पंजाब में कितना महत्व है। इस तरह से पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक से पूरी भूमि संतों की है। संतों के विचारों में आदान प्रदान की इतनी शक्ति है कि आज पूरे भारत के विचारों को इकट्ठा रखने का काम संतों ने ही किया है। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड खुद वारकरी पंथ से हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखा मेला, ऐसे बहुत सारे संतों के जीवन का उन्होंने अध्ययन किया है, उनसे सीख ली है और उनके जैसा काम करने की का प्रयत्न भी किया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी का मूल गांव लातूर जिले में रामेश्वर है। अब देखिए वहां से लेकर इनकी जो यात्रा है उस यात्रा में शिक्षा संस्थान में वो विचारों की यात्रा बार बार रखते हैं, लेकिन जहां तक वास्तु निर्माण है ये एक यज्ञ उन्होंने शुरू किया है और वो यज्ञ कहां से कहां तक जाता है। यज्ञ शुरू हुआ आलंदी से, श्री क्षेत्र आलंदी देहू परिसर विकास समिति के माध्यम से अपने वारकरी संप्रदाय के सभी वारकरी साधकों को वहां पर इंद्राणी नदी के किनारे जो जमीन मिलती है सोने के लिए, उस जमीन पर उन्होंने घाट निर्माण किए। और देखिए वही वारकरी संप्रदाय जो छोटे छोटे पत्थरों पर अपना बिस्तर डाल के सोता था वो अब बहुत अच्छी तरह से कटे हुए चिकने पत्थरों पर सोता है। डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी के मन में जो इच्छा थी कि तीर्थ क्षेत्र सिर्फ धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी है। श्रीमद् भागवत का निरूपण करते हुए जब संत ज्ञानेश्वर जी ने विचार रखे तो उसमें भागवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग भी है। सवाल यह है कि जो विचार ज्ञान विज्ञान का है उसे केवल धार्मिक कहकर हम दूर रख सकते हैं क्या? महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी में जो कि भगवत गीता का बहुत ही सादा सरल निरूपण है आम आदमी के लिए, उसके आखिर में ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, आता विश्वात्म के देवे येने वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दाने। आजकल हम देखते हैं वर्बल डायरिया हो जाता है। वर्बल डायरिया मतलब क्या है, जो माउंटेन फायर है ना वैसे सब बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है वाग यज्ञ है। अगर यज्ञ है तो उसको सीमित रूप में जब उसकी पूजा की जाएगी तो फल मिलता है। उसके पहले संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि आता विश्वात्म के देवे, मैं कहता हूँ ये पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सल गॉड के बारे में सोचता है। आज झगड़े किस बात के चल रहे हैं, गॉड के बारे में तो झगड़े चल रहे हैं, धर्म के बारे में तो झगड़े चल रहे हैं, उसके जो रिचुअल्स है झगड़े रिचुअल्स है उसमें, तो उससे अगर हमें दूर करना होगा दूर जाना होगा तो आता विश्वात्म के देवे ये जो संकल्पना है वो प्रस्थापित करनी पड़ेगी और वो है यूनिवर्सल गॉड, यूनिवर्सल एजुकेशन, जो विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराट बार बार कहते हैं। आज वही हो रहा है कि आज आलंदी देहू से अपने विचारों की यात्रा शुरू हुई, आलंदी देहू से अपने वास्तु यज्ञ की यात्रा शुरू की और आज नेपाल में जो दुर्घटनाग्रस्त लोग थे, जो भूकंप से पीड़ित लोग थे, उनके लिए कराट सर ने वहाँ काठमांडू में घर बांधे हैं। जैसे महाराष्ट्र के संतों ने, जैसे संत नामदेव है, उन्होंने पंजाब तक जाके अपनी अपना कीर्तिमान स्थापित किया, वैसे ही एक संत वृत्ति के डॉक्टर विश्वनाथ कराड जब उन्होंने देखा कि नेपाल में इतना बड़ा भूजल आया है और नेपाल के लोगों को सहायता की ज़रूरत है, तो उन्होंने केवल पैसे देकर उसका अपना कार्य कर्तव्य नहीं निभाया, उन्होंने वहां जाकर 120 घरों का निर्माण किया।
अब देखिए शिक्षा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष इस तरह से नेपाल में दूसरे देश में जो भूकंप हुआ है उस भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए जब घर बांधते हैं, जो घरों का नगर है 120 घरों से भी ज्यादा घर है वहाँ, और जो दो नगर वहाँ पे बसे हैं उसे नाम दिया है संत ज्ञानेश्वर नगर और संत तुकाराम नगर। विचार कीजिए कि यही बात कि एक बार हम इतिहास में पढ़ते हैं कि संत नामदेव जी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक जा रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समारोह में हम काशी के विद्वान पंडित गागा भट्ट को आमंत्रित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण दक्षिण में लोकप्रिय है, कदम का रामायण उत्तर भारत में पढ़ा जाता है। बंगाल से हमें मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का साहित्य और संगीत जो पूरे विश्व में इतना छा गया है कि इंग्लैंड में शेक्सपियर के घर के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक प्रतिमा स्थापित है। कहने का मतलब यह है कि जब हम सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति का यह वैचारिक विस्तार है, चाहे धार्मिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, भारतीय लोगों की इच्छा ऐसी नहीं थी कि वह पूरे विश्व में जाएं, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है, क्योंकि वह सहिष्णु हैं। जैसे सावरकर जी ने कहा है कि देह से देव की तरफ जाते वक्त, देह से देव की तरफ जाते वक्त रास्ते में देश लगता है, तो देश हमारा देश है, भारत है, बुद्धि में रत देश है। तो ये सोचना होगा क्या आज दुनिया के हम विश्वगुरु बनते हैं? हाँ जरूर बनते हैं, क्यों? यूनिवर्सल गॉड, सबका एक होना, वसुदेव कुटुंबकम, ये बात इस मिट्टी में पहले निर्माण हुई है और उसका हर वक्त हमें विचार करना होगा और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पे उसका प्रचार करना होगा। आज अक्सर हम कहते हैं हैव फेथ इन डेमोक्रेसी, लेकिन शासकीय जनतंत्र अलग है और भक्ति मार्ग का जनतंत्र भिन्न है। भक्ति मार्ग में जनतंत्र केवल भारत में उपलब्ध है और इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी हमारा जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वहाँ पर हमारे इस्लाम धर्म के भाई भी रह चुके हैं। मंगल समय पर शहनाई नाम का जो शुभ वाद्य है वो बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं, हम जाकिर हुसैन जी का तबला सुनते हैं। ये भक्ति मार्ग का जनतंत्र है क्योंकि यहाँ कर्तव्य को महत्व दिया गया है, इसलिए यह संस्कृति विश्वव्यापक है और पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित करनी है तो इसी संस्कृति से की जा सकती है। ये तो हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में सैकड़ों सालों से अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और बड़े खुशहाली के साथ रहते हैं। हाँ मैं ये मानता हूँ कि बीच में कुछ लोगों ने हमारे पर आक्रमण किए और इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश की ताकत ही यही है, विविधता में एकता। हमारे देश की जो संस्कृति है उसे हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, यानी ये मिली जुली संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति होने से आज हमारा जो कोई हिंदू भाई है वो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर भी जाता है और गोवा में जो चर्चेस हैं वहाँ भी जाता है, और हमारे जो मुस्लिम भाई है वो भी आपको अलग अलग यात्रा में अलग अलग उत्सव में आपको दिखते हैं। आज पुणे में लोणी कालभोर स्थित जो स्वर्गीय राज कपूर जी की भूमि थी वहाँ कराट सर की संस्था ने सन 2007 में उसे खरीदा। जहाँ तक पैसे कमाने का सवाल है, उस भूमि पे तो कुछ भी बनाया जा सकता था, नदी किनारे 5-स्टार होटल बन सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पहले स्वर्गीय राज कपूर जी का फार्म हाउस था। सन 2002 में ये फार्म हाउस विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी करार साहब इन्होंने लिया और उनकी संकल्पना से आज ये फार्म हाउस एक विद्या का मंदिर यानी कि विश्व शांति गुरुकुल के रूप में जाना जा रहा है। इसमें अलग अलग शिक्षा संस्था के साथ सप्तरंग, सप्तऋषि और सप्त स्वर का निर्माण प्रोफेसर डॉक्टर करार साहब ने किया। आज ये राजबाग पूरे भारतवर्ष में विश्व राजबाग के नाम से जाना जा रहा है। और वहां पर तैयार हुआ विश्व शांति गुंबद या डोम, वहीं पर विश्व दर्शन देवता का मंदिर भी बना है। अब देखिए ना, कई देवताओं के मंदिर हमारे देश में हैं, लेकिन विश्व दर्शन देवता का मंदिर पूरे विश्व में एक ही है। ऐसी संकल्पना मन में रखकर डॉक्टर करार इस तरह से वास्तु निर्मिति में लगे रहे हैं। उम्र 81 साल है। विचार कीजिए, बद्रीनाथ धाम जैसे दुर्गम स्थान पर जहाँ पर सरस्वती का उद्गम हो रहा है वहां पर जाकर उन्होंने मंदिर की निर्मिति की। उनसे प्रेरणा लेकर लोगों ने मंदिर का निर्माण किया। पत्थर ऊपर लेकर कैसे गए होंगे, वहां मंदिर कैसे तैयार हुआ होगा, ये सब सोचने की बात है। और यहीं से उत्पन्न होता है विज्ञान का सवाल।
सन 1534 में 1534 में कोपरनिकस ने कहा था कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। उसके 250 साल पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानेश्वरी में लिखा है, उदय अस्ताचे प्रमाणे जैसे न चालता सूर्याचे चालणे। इसका मतलब है कि सूरज चलता नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। ये जो दृष्टि भ्रम है उसके बारे में तभी मालूम था, लेकिन भारतीय संस्कृति की यही एक खूबसूरती है कि हमारी संस्कृति ने या हमारे धर्म ने दूसरों पर जबरदस्ती अपनी बात को थोपने की कभी न तो मकसद रखा न कभी ऐसा किया। और यही कारण है कि व्यक्ति अभिव्यक्ति का जब सवाल आता है ना, तो वो स्वतंत्रता हमारे संस्कृति में दी गई है। और इसीलिए भगवान को मानने वाला और उसको न मानने वाला, मतलब आस्तिक भी हो या नास्तिक भी हो, दोनों को एक ही तरह से देखा गया है। विश्व शांति की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो पहले से ही हो चुका है, अब सवाल है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ह्यूमन माइंड का। तो भले ही आप किसी भी देश में हो, आप अमेरिका में हो, रूस में हो, कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, आप इसी पृथ्वी पर तो है ना। 5000 साल पहले अथर्ववेद कह चुका है, वी आर शेयरिंग द सेम स्काई, वी आर शेयरिंग द सेम एयर एंड वी आर शेयरिंग द सेम अर्थ। इसका मतलब क्या है? अगर जिंदा रहना है तो वी हैव टू लिव टुगेदर, अगर विनाश होना है तो वी हैव टू पेरिश टुगेदर। सोचिए, पृथ्वी पर मनुष्य की बस्ती नहीं रही और मनुष्य नहीं रहा तो पृथ्वी का क्या अर्थ रहेगा? भले ही आप डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी को माने या भारतीय संस्कृति में जो दशावतार हैं उनको मान लें, दोनों का बायोलॉजिकल ऑर्डर में बराबर रूप से चलते हैं। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में बायोलॉजिकल ऑर्डर है जो हमारे दशावतार में है। पहले मत्स्य है, जो पानी है 100%, निकालो पानी से तो मर जाएगा मत्स्य। मत्स्य से लेकर कूर्म में आ गए, कूर्म दोनों तरफ है, पानी में भी है, जमीन पे भी है। फिर आ गया वराह, जो पानी और मिट्टी का मिक्सचर है उसमें रहता है। फिर आ गया नारसिंह, जो जमीन पे भी है और जंगल में भी है। फिर आया वामन लिलीपुट, पहली छोटी प्रतिमा मनुष्य की। फिर आ गया परशुराम, जो शूर है लेकिन जंगल और राज्य की बात करता है। फिर आया आदर्श राम। देखिए, सिविलाइज होने की प्रोसेस देखिए, ये दशावतार में भी है। फिर राम के बाद आ गए कृष्ण, जहाँ राजनीति आ गई और राजनीति का अंतिम नतीजा रहा युद्ध, जिसमें कई लोग मारे गए। तो उससे बुद्धि जो है वो हतप्रभ हो गई, तो उससे निर्माण हुआ गौतम बुद्ध। देखिए, ये इवोल्यूशन थ्योरी है, भले वो हिंदुस्तान के इस दशावतारों में हो या डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी में हो। ज्ञान के माध्यम से इकट्ठा आके अगर ज्ञानी आदमी सरस हो जाएगा तो ये बात बनेगी, तब तक नहीं बनेगी। भारतीय संस्कृति में हर एक का विचार अलग है, लेकिन उन विचारों को इकट्ठा करना है एक दूसरे के साथ बिना झगड़ा किए, और ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड को, जो पुणे स्थित COP में प्राध्यापक थे, उनके विचारों से ये जो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है, उसके सभी प्राध्यापकों को, सिखाने वालों को, सीखने वालों को, कर्मचारियों को एक ही विचार पिछले 35 से 40 साल से सुनाई दिया है, और वो है विश्व शांति का विचार। ये विश्व शांति का ख्याल अपने मन में लेते हुए कराड सर ने इतने काम किए जो बहुत महत्व रखते हैं। भगवान जब शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, वो कहते हैं कुतस्त्वाक अस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिंकरम अर्जुन क्लैब्यं माश्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, ये कहाँ से, एक योद्धा हो, जिस काम कर्म के लिए आए हो उसको करो। मैं हमेशा यही श्लोक से, मैं मेरे मित्र कर्मयोगी विश्वनाथ जी को याद करता हूँ। वो किसी के बात नहीं सुने, कर्मयोगी बनकर कर्म करते रहे। लक्ष्य एक ही है, मैं विश्व में शांति कैसे प्रतिष्ठा करूँ, ज्ञान बांटता जाऊँ, ज्ञान में सबको अनुभूति हो जाए। ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान लब्ध्वा परां शांति अचिरेणाधिगच्छति, उसी मंत्र पर वो चलते गए। बद्रीनाथ धाम के निकट माणा गांव के आगे सरस्वती मंदिर का निर्माण करना, इसके पीछे जो विचारों की यात्रा है वो देहु आलंदी से शुरू हुई और इतनी ऊंचाई पे जाके पहुंची।
ठीक वैसे जैसे संत ज्ञानेश्वर जी से शुरू होकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक विचारों की यात्रा जाती है। तो एक विचार यज्ञ है और एक दूसरा वास्तु यज्ञ है। इसी के साथ मैं इस संवाद को यहीं देता हूं विराम, जो खास प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तैयार किया गया था। जाते जाते कराड़ सर से इतना ही कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अभी तक जो कुछ आपने किया है, क्या आप उससे खुश हैं या संतुष्ट हैं? मुझे नहीं लगता। सच्चाई तो यह है कि आपकी मानव जाति के लिए की गई इतनी सेवा के बाद भी परमेश्वर आपके माध्यम से अभी और बहुत कुछ करवाना चाहता है। मेरा मानना है कि उसके पास अभी भी आपके जीवन के लिए और भी कई बेहतरीन योजनाएं हैं, क्योंकि ईश्वर का आपके साथ एक गहरा रिश्ता है। मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर आपको हमेशा बनाए रखे।